जिले भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। आज 11वें दिन काली पट्टी व रस्सी बांधे दिखाई दिए, जहां हड़ताल के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा जेपी अस्पताल पर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हड़ताल को तोड़वाने की मंशा से हमारे साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अब क्या लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखना भी जायज नहीं है? जहाँ उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा इस तरह का दमनकारी कदम उठाए जाने के कारण संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि अगर हमारे साथियों को रविवार या सोमवार तक नहीं छोड़ा गया तो मंगलवार के दिन सभी संविदा कर्मचारी कलेक्टर के यहाँ पहुंचकर सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन के लिए ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं कि यह हड़ताल अब नहीं रुकेगी, अब हमको हमारा नियमितीकरण देना होगा। सरकार ने हमारे साथियों को गिरफ्तार करके लोकतंत्र की आवाज दबाने का काम किया है। हमारे साथियों को रस्सियों से बांधकर ले जाया गया। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर एवं हाथों में रस्सियां बांधकर यह प्रदर्शन किया है। अभी आप काफी समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आगामी क्या कार्य योजना और क्या आपके प्रति शासन की क्या योजना है और आप क्या करना चाहते हैं आगे आपकी मांगों को लेकर? हम अपनी मांगों को लेकर निरंतर 11 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक सरकार ने हमारी कोई भी मांग नहीं मानी है और कल हमारे साथी जो भोपाल में इस समय धरने में उपस्थित हैं, उन सभी ने कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रोग्राम चौधरी जी को ज्ञापन दिया, परंतु उन्होंने हमारे साथियों सभियों को जेल में डलवा दिया। करीबन 10 से 12 हमारे साथी अभी भी जेल में हैं। अगर उनको कल तक रिहा नहीं किया गया तो हम सभी अपने अपने जिले में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे एवं जेल भरो आंदोलन का आरंभ करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अपना आंदोलन नहीं बंद करेंगे और ये हमारा। तो ये जेल भरो जो आंदोलन आप कल जारी कर रहे हैं, तो ये अपने साथियों को छुड़वाने की मांग को लेकर कर रहे हैं या अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कर रहे हैं? हम अपनी मांगों के लिए तो निरंतर यहाँ पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से हम अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, परंतु हमारे जो साथियों को जेल में डाल दिया है उनको छुड़वाने के लिए हम जेल आंदोलन करेंगे। बाकी उसके बाद जब हमारे साथी रिहा हो जाएंगे उसके बाद हमारा आंदोलन तो निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, क्योंकि हम निरंतर 10-12 साल से ये प्रयास कर रहे हैं और अभी 5 जून 2018 की नीति के लिए हम जो लड़ रहे हैं वो एकदम नैतिक और उचित तरीका है, जिसको पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल से भी कहा था कि ये व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, संविदा व्यवस्था को मैं खत्म करके रहूँगा। तो उन्हीं के वचनों पर हम सब आंदोलन कर रहे हैं ताकि वो हमारी बात को सुने और अपने वचन को पूरा करें।